हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपको जूम किस तरह से डाउनलोड करना है और उसको किस तरह से यूज़ करना है, जो कि आज के डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है, बहुत ही यूज़फुल हो चुका है। जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूज़ करके टीचिंग दे भी सकते हैं, और हम इस तरह से टीचर जो हमें इनवाइट करेगी उनसे हम क्लासेस भी ले सकते हैं। तो जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं। तो जूम के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ हम लिखते हैं जूम अस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जूम डॉट अस, मैं इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं ये एक साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप रिसोर्सेज में देख रहे हैं डाउनलोड जूम क्लाइंट, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसे क्लिक करते ही हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाती हैं, जूम क्लाइंट फॉर मीटिंग एंड जूम प्लगइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो हमें फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि हम एज अ टीचर इसे यूज़ कर रहे हैं या एज अ स्टूडेंट हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम दोनों के लिए ही यहाँ पर जूम क्लाइंट फॉर मीटिंग में ही यूज़ करेंगे। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो मैं ये देखती हूँ मेरा कहाँ पर जाके डाउनलोड हुआ है। मैं वहाँ से इसे ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। मैं राइट क्लिक करती हूँ और इसको रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं इसको यस कर देती हूँ और यस करने के बाद ये जूम इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही जूम इंस्टॉल हो जाएगा विद इन अ फ्यू मिनट्स ये इंस्टॉल हो जाता है, 95% हो भी गया। तो आप ये देखेंगे जैसे ही मेरा जूम इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर हम बहुत सारी ऑप्शंस देखेंगे कि किस तरह से हम एज अ टीचर हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं जूम क्लाउड मीटिंग मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर मुझसे ऑप्शन पूछ रहे हैं ज्वाइन इन अ मीटिंग। ज्वाइन इन अ मीटिंग में यहाँ पर बताता है कि आप अगर टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं तो, या एक स्टूडेंट हैं, तो जिसने भी आपको कोई आईडी दिया हो वो यहाँ पर आप उसको ज्वाइन करके कर सकते हैं। या अब आप एज अ टीचर हैं, आप चाहते हैं कि किसी को आप इनवाइट करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा। यहाँ पर आप वही कर सकते जो आपको आईडी मिली हुई हो, किसी ने आपको आईडी दी हो उस मीटिंग के लिए, उस प्रेजेंटेशन के लिए। बट अगर आप एज अ टीचर आप उसे यूज़ कर रहे हैं, कोई नया आईडी और कोई न्यू आईडी मीटिंग बनाना चाहते हैं, तो आप पहले उसको साइन इन कीजिए। साइन इन का भी बहुत इजी प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन इन विद गूगल कर दीजिए, आपके पास कोई ईमेल आईडी है उससे आप कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं ऐसे साइन इन विद गूगल करती हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं ये मेरे पास जो भी ऑप्शन आएगी मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैं इस पासवर्ड को दे देती हूँ ताकि मैं इसमें लॉगिन हो सकूँ। तो ये देखिए मैं लॉगिन हो चुकी हूँ। लॉगिन विद गूगल, जूम शुड लॉन्च इन अ फ्यू सेकेंड, इफ यू नॉट प्लीज़ क्लिक बटन बिलो। लॉन्च जूम कर देते हैं हम। दिस साइट इज ट्राइंग टू ओपन जूम मीटिंग, सो अलाउ ओपन। यहाँ आप देख रहे हैं मेरा जूम का ये जो इंटरफेस है वो अब ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें कई मल्टीपल चीज़ें आप दिखाई दे रही हैं, जैसे कि न्यू मीटिंग के लिए हम देख सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जूम डाउनलोड हो चुका है मेरे लैपटॉप पे, तो अब मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मैं मीटिंग ज्वाइन करना चाहती हूँ, कोई मेरे पास पहले से आईडी आई हुई है, जो कोई शेड्यूल मेरे पास आया हुआ है, तो मैं उसे यहाँ से ज्वाइन कर सकती हूँ। ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करने पे क्या होगा कि मुझे वो आईडी डालना पड़ेगा जिससे मैं यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हूँ। तो फिलहाल मेरे पास अभी कोई आईडी नहीं है, मैं यहाँ पर कोई भी मेरे पास मीटिंग आईडी नहीं है, तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देती हूँ। न्यू मीटिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू मीटिंग, तो आप न्यू मीटिंग बनाना चाहते हैं तो यूज़ माय पर्सनल मीटिंग आईडी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए।
ये मीटिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, मैं ऐसे कंप्यूटर के साथ ऑडियो, जो मेरा कंप्यूटर के साथ ऑडियो है उसी के साथ उसको टेस्ट करना चाहती हूँ। तो ये मेरा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी ऑप्शंस दिख रही हैं, जैसे कि ये म्यूट, मेरी जो आवाज़ अभी आप सुनाई दे रही है आपको, इसे मैं म्यूट कर दूँ। स्टार्ट वीडियो, यानी कि अगर मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ इस बटन पर क्लिक करके, तो मेरी वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे मैं अभी क्लोज कर देती हूँ। पार्टिसिपेंट, कितने पार्टिसिपेंट हैं अभी आपके पास, वो यहाँ पर शो करेंगे। आपको किसी पार्टिसिपेंट के साथ चैट करनी हो वो यहाँ पर आपको शो करेगा। अपनी स्क्रीन अगर आप शेयर करना चाहते हैं, स्क्रीन शेयर में क्या होगा कि आप स्टूडेंट्स के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं कई बार, कि उनको कुछ दिखाना है, उनको कुछ समझाना है, तो अपनी स्क्रीन को आप शेयर करते हैं कि ये जो स्क्रीन है मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर मैं इसको व्हाइट बोर्ड के साथ शेयर करना चाहती हूँ। व्हाइट बोर्ड, मेरे पास एक बोर्ड आ जाएगा जिसमें मैं मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, पेंसिल्स होते हैं, इरेजर होते हैं, कुछ शेप्स होते हैं जिससे मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ। कोई, जब भी मैं कोई क्लास ले रही हूँ, या फिर आईफोन आईपैड से आप कर सकते हैं, इसे स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, या यहाँ पे मल्टीपल एप्स अगर आपके पास खुली हुई हैं तो उसे भी आप अपनी स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं। सपोजिंग मुझे यहाँ पर बच्चों को टेक्स्ट पेंट सिखाना है, या मुझे कुछ बच्चों को स्क्रैच सिखाना है, क्योंकि मैं कंप्यूटर की क्लासेस लेती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो भी मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगी मैं उनसे यहाँ पर ओपन करके बच्चों को दिखा सकती हूँ, उनसे शेयर कर सकती हूँ। फिलहाल जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड मैंने अगर शेयर किया, तो ये व्हाइट बोर्ड मेरे पास आ जाता है और इस व्हाइट बोर्ड में मैं टेक्स्ट टाइप कर सकती हूँ। ये मैंने लिख दिया और इसे हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइंग के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं कुछ बच्चों को यहाँ सिखाना चाहती हूँ तो वो चीज़ आ जाती है। स्टैम्प्स हैं मेरे पास, स्टैम्प्स हैं, स्पॉटलाइट है, कहीं पे मुझे स्पॉटलाइट करना है, कुछ मुझे इस तरह से कुछ हेडलाइंस पढ़नी है, रीड करनी है, तो मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ, तो बच्चों को बहुत इजीली इस माउस पॉइंटर से पता चलेगा कि मेरा कर्सर किधर है। ये स्पॉटलाइट के लिए होता है। इरेजर, टू इरेज एनीथिंग, कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको कुछ चेंज करना हो, फॉर्मेट आपने चेंज कर दिया, लाइक मैंने कोई टेक्स्ट लिया ब्लू कलर में है, उसे कोई और कलर में कर देते हैं। अनडू, रीडू, ये ऑप्शंस आपको आती ही होंगी। क्लियर, यानी कि जितना भी यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड में अभी तक जो कुछ भी बनाया है उसे मैं क्लियर करना चाहती हूँ, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, क्लियर माई ड्राइंग। सेव करना चाहती हूँ, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बनाया है उसे मैं सेव करूँ या नहीं वो भी डिपेंड करता है। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ऊपर ये जो आपके पास ऑप्शन दिख रही है सबसे ऊपर टॉप में, ये वही चीज़ है जो अभी आप हम नीचे देख रहे थे, जिसमें म्यूट, स्टार्ट वीडियो और पार्टिसिपेंट, चैट, न्यू शेयरिंग, ये सब वही आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर पॉज करना हो अपनी स्क्रीन को, तो मैं यहाँ से पॉज कर सकती हूँ। व्हाइट बोर्ड अभी मेरा ओपन है, ये व्हाइट बोर्ड ही शो कर रहा है। मोर में क्या है कि मैं अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकती हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, जो जो ऑनलाइन हैं इस टाइम पे, मेरे साथ मीटिंग में ज्वाइन कर चुके हैं, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। और रिकॉर्ड करने के बाद मैं बेशक से आगे उसको शेयर कर सकती हूँ, चाहे उनके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ, चाहे मैं फेसबुक पे शेयर कर दूँ, या मैं यूट्यूब पे इसको डाल दूँ। तो मैं जब ये रिकॉर्डिंग करूँगी तो यहाँ से मेरे पास बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। ये रिकॉर्ड की ऑप्शन आपको जूम में मोबाइल में नहीं मिलती है, ये लैपटॉप या पीसी में आपको मिल जाती है। तो हम इसे रिकॉर्ड पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, अगर मुझे यही स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो तो, नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं अभी इस व्हाइट बोर्ड से हम यहाँ से लॉग ऑफ कर देते हैं और अगेन चलते हैं हम अपने शेयर स्क्रीन पे, जो भी मुझे मैंने अभी यहाँ पर दिया दिखाया था स्क्रीन पे। अगर हम क्लिक करते हैं तो स्क्रीन हम शेयर कर देते हैं, सॉरी, न्यू शेयर में स्क्रीन शेयर। तो ये रिटर्न टू मीटिंग या फिर शेड्यूल, ये हम अपनी स्क्रीन पे दोबारा वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमने जो स्क्रीन मैं शो कर रही हूँ यहाँ पर,
मुझे इसी स्क्रीन पे रहना है या मुझे चेंज करना है, तो मैं रिटर्न टू मीटिंग पे जाके इसे फिर से एक बार चेंज कर देती हूँ, न्यू शेयरिंग कर देती हूँ। कि सपोजिंगली मुझे यहाँ पर कुछ बच्चों को, जैसे यह डाउनलोड आ रहा है, यहाँ पर मल्टीपल विंडोज़ ओपन हो रखी हैं, मैं उन्हें शेयर करना चाहती हूँ, मैं इनमें से कुछ कुछ बात बताना चाहती हूँ उनको, तो मैं यहाँ से उनको बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ कि जो भी मेरी स्क्रीन में आ रहा है। कुछ होता है कि मेरे पास कुछ प्रेजेंटेशन बनी हुई हो, कोई पीपीटी बनी हुई हो मेरे पास, तो मैं उसको दिखाना चाहती हूँ। रिकॉर्डिंग का बटन इधर भी आपको दिखाई दे रहा है कि रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कुछ भी आप अभी आप बात कर रहे हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और आप उसको बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर अब मेरे पास आ जाता है, इसे हम एंड कर देते हैं यहाँ से। लीव मीटिंग पे जब हम जाते हैं, ये बंद हो चुका है और ये जो मेरी कन्वर्सेशन थी ये कंप्लीट हो चुकी है और ये वीडियो भी बन चुकी है, तो मैं इसको नाम दे के यहाँ पर सेव कर देते हैं। और अगेन हम फिर से जूम, लॉन्च जूम पे जाते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी, जो मैंने अभी आपको मीटिंग बताई है कि हम किस तरह से एक न्यू मीटिंग बना सकते हैं, वो हम यहाँ पर दे तो सकते हैं, पर उसका शेड्यूल अभी हमने सेट नहीं किया। यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ यूज़ माई पर्सनल मीटिंग आईडी, तो जब मैं इसे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे है कॉपी इनविटेशन। अब ये देखिए यूज़ माई पर्सनल मीटिंग आईडी ये आ रहा है यहाँ पर 3592083245। इसको मैं कॉपी इनविटेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो ये था कि हम यहाँ पे इस आईडी को कॉपी कर देते हैं और इस कॉपी आईडी को हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके जो भी, अगर मैं टीचर हूँ, एज अ टीचर हूँ और मुझे अपने स्टूडेंट के साथ ये आईडी शेयर करनी है, तो वो शेयर आईडी से मेरी इस मीटिंग में आ सकते हैं और यहाँ पर आके वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाके, यहाँ पे मैं जाके इसे कॉपी कर देती हूँ। और अब आप फेसबुक से या व्हाट्सएप से या किसी को ईमेल आईडी के थ्रू ये मीटिंग कॉन्टेक्ट आप भेज सकते हैं। इसमें हम शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। शेड्यूल में क्या है, यहाँ पे आपने टॉपिक दे दिया लाइक कंप्यूटर क्लासेस ऑन जूम मीटिंग, और यहाँ पे मैं टाइमिंग चेंज कर देती हूँ, मुझे मैंने डेट भी चेंज कर दी है। मैं यहाँ से टाइमिंग सेट कर देती हूँ। ड्यूरेशन आप कितना रखना चाहते हैं, मैंने 1 मिनट का ही रखा और ये मेरा सब कुछ सेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सिक्योरिटी, ये जो पासवर्ड है, मैं इस पासवर्ड से भी कॉपी कर सकती हूँ, इनविटेशन भेज सकती हूँ स्टूडेंट्स को, नहीं तो यहाँ से पर्सनल मीटिंग आईडी, ये जो दे रखा है 3592083245, मैं इस मीटिंग आईडी से भी लोगों को इनवाइट कर सकती हूँ, स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकती हूँ इसमें, नहीं तो मैं सिक्योरिटी कोड से भी इनवाइट कर सकती हूँ। तो जो स्टूडेंट मेरी इस पर्सनल मीटिंग आईडी को ज्वाइन करेगा या फिर जो मैं सिक्योरिटी कोड दूंगी उससे ज्वाइन करेगा, तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इनमें से कोई भी जो मैं देना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इन सारी ऑप्शंस को हम कुछ नहीं करेंगे, इसे सेव कर देते हैं। तो ये मेरी मीटिंग शेड्यूल मेरा बन चुका है और हम किस किस को अलाउ करना चाहते हैं इस मीटिंग के लिए, ये जो मैंने एक मीटिंग तैयार कर दी है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे पास मीटिंग मेरा सपना नारंग इज इनवाइटिंग दिस। अब ये जो है मेरे पास पास कोड मीटिंग आईडी, इसे मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेती हूँ और अब मैं जिस भी पार्टिसिपेंट को ये आईडी दूंगी, प्रोवाइड करूंगी, वो इससे मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है और इस क्लासेस को 1 घंटे के, जो मैंने शेड्यूल सेट कर रखा है, 1 घंटे के क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। कौन सी डेट को, कितने बजे, वो सारे यहाँ पर डिटेल दे रखी हैं आपको। हम इसको अभी सेव करते हैं और जिस भी स्टूडेंट्स को आपको भेजना है आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जूम को डाउनलोड करना, उसे यूज़ करना एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट,
ये दोनों ही चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा हो इसमें। कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।